क्या आप एक मोटिवेशन की तलाश में हैं? क्या आप खुद अपने प्रोक्रास्टिनेशन और लेजी बिहेवियर के लिए बहाना बनाकर थक गए हैं? देन यू आर बी प्रेजेंट घूमर। मैं दीपिका की घूमर की बात नहीं कर रहा हूँ गाइज, बल्कि बालकी सर की फिल्म घूमर की बात कर रहा हूँ। हे गाइज, मैं हूँ गौरव और आज मैं रिव्यू करूंगा फिल्म घूमर को। वो भी आपको पता ही है कि जैसे जैसे मैं मिर्ची खाऊंगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि इस फिल्म को कितने मिर्ची मिलने वाले हैं। तो मूवी जब शुरू हुई मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गया था कि कहीं लोगों ने गलती से ब्रीड 2 को तो नहीं चला दिया। वैसे अभिषेक का वही सेम लुक और साइमी के साथ वही पेयरिंग, मतलब एक कट कॉपी पेश करने की क्या जरूरत थी। बट मानना पड़ेगा कि जितना ब्रीड के एक सीरीज के 12 एपिसोड्स ने मुझे इंप्रेस नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा इस फिल्म के शुरुआत के 12 मिनट ने ही मुझे इंप्रेस कर दिया। और इन दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल वैसी है जैसी कंगना रनौत की अपनी ट्वीट्स के साथ। खट्टा मीठा तो है लेकिन एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, और इस जोड़ी के लिए एक मिर्ची तो बनती है। तो भाई ये मिर्ची खा के मेरे सारे ऑर्गन्स अंदर घूमर करेंगे या कर रहे हैं वो आगे पता चलेगा। तो मूवी एक T20 मैच की तरह है, फास्ट बॉल की तरह फास्ट पेस्ट है। तुम कहीं भी फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में अपना इंटरेस्ट लूज नहीं करोगे। तो प्लॉट कभी सीरियस हो जाता है तो कभी फन, और आर बालकी सर ने इस बार भी एक बड़ा छक्का मारा है। तो आर बालकी सर पहली बार एक स्पोर्ट्स फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर आ रहे हैं, और वो इतने अलग अलग जॉनर्स करते हैं हर टाइम, मतलब उनका कॉम्पिटिशन वो खुद ही है। तो पिछली बार उन्होंने अपने चुप फिल्म में क्रिटिक्स को चुप किया, बट इस बार उन्होंने एक्चुअल में बढ़िया फिल्म बनाकर क्रिटिक्स को चुप करा दिया। तो इधर मैं जहां स्लाइटेस्ट इनकन्वीनियंस पर कोई बहाना देकर काम ना करने के बारे में सोचता हूं, तो वही सयामी है कि अपने कमी को ही अपनी खूबी बनाकर नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेल रही है। वो अपना राइट हैंड खो देती है और सब कुछ अपने लेफ्ट हैंड से करना सीख जाती है। और ये देखो, मतलब मैं अभी ट्राई कर लेता हूँ, मतलब एक सिग्नेचर करने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी मैं राइट ही हूँ तो मैं राइट ही साइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैंने अच्छे से किया। अब मैं लेफ्ट हैंड से ट्राई कर रहा हूँ, मतलब इफ यू गाइस सी, ये राइट हैंड वाली सिग्नेचर है और ये लेफ्ट हैंड वाली। तो ये देखो मैं राइट ही हूँ और मुझसे एक साइन भी नहीं हो रहे अपने लेफ्ट हैंड से। मतलब सयामी ने अलग लेवल का मोटिवेशन सेट किया है कि लोग अब वीकेंड्स में भी काम करना शुरू कर देंगे। और सयामी के इस एफर्ट के लिए एक मिर्ची। जब सयामी एक हाथ से बैट्समैन बन सकती है या बॉलर बन सकती है, वो मैं मिर्ची तो खा ही सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे आर बालकी सर से ये सवाल पूछना है कि पहले आप बाकी कास्ट के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं या अमित जी का कैमियो पहले लिखते हैं और फिर उसके अराउंड कहानी बनाते हैं, मतलब पैडमैन देख लो या फिर इंग्लिश। वैसे नो कंप्लेंट्स, क्योंकि अमित जी उन पुराने गानों की तरह है, चाहे कितने भी नए गाने क्यों ना रिलीज हो, मतलब मजा तो सिर्फ तब आएगा जब रेट्रो बजे। और हाँ, लास्ट टाइम आपने अमित जी को एक कॉमेडी रोल में कब देखा था? और अमित जी को आर बालकी के फिल्मों में नहीं देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है भाई। मतलब ये क्या है, मतलब अमित जी को कॉमेडी करने के पैसे मिल रहे हैं और मुझे देखो ये मिर्ची खाना पड़ रहा है, बट कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो ओके, तो आई एम वेरी श्योर कि अभिषेक बच्चन को इस रोल के लिए खास प्रिपेयर नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि अब तो ये सब जानते हैं कि कैसे वो अपने ट्विटर के जरिए लोगों को सैवेज कमबैक्स देते रहते हैं। ठीक उसी तरह इस मूवी में भी अभिषेक एक के बाद लगातार चौके और छक्के मार रहे अपने डायलॉग्स के साथ। एक स्पेशल मेंशन शबाना आजमी को, जिन्होंने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणवीर सिंह को सपोर्ट किया और उसके बाद वो वापस सपोर्ट करने आई है सयामी खेर को इस फिल्म में। सो गाइज, मैं सच बता रहा हूँ कि ऐसा सपोर्ट सिस्टम अगर मेरे लाइफ में होता तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। प्लस ये कहानी एक ऐसे प्लेयर की है जो एक बैट्स वुमेन से एक बॉलर बनती है भाई। मतलब एक मिर्ची का ये पूरी प्लेट सिर्फ इस बात के लिए कि विमेंस क्रिकेट पर बनी फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। वैसे मैं पूरी मिर्ची तो खा नहीं पाऊंगा, बट एक मिर्ची तो खा ही सकता हूँ।
वैसे शाबाश मिटू आई थी और चकड़ा एक्सप्रेस बहुत ही जल्द OTT पे रिलीज होने वाली है, बट फाइनली इस फिल्म से मुझे वो चक दे इंडिया वाली फीलिंग आई। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस मूवी को मिले 3 मिर्ची। तो वैसे इस मूवी में मुझे अभिषेक और सयामी को देख के मुझे मेरी हिंदी टीचर की याद आ गई, मतलब जो इतने ताने मारती थी बट फिर भी मुझे कभी मार्क्स नहीं दिए। बट एटलीस्ट आज मैं इस फिल्म को मार्क्स देना चाहूंगा, जो कि है 3 मिर्ची।